जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी इन द कमिंग टाइम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स, सो मेनी कार्ड्स। कंटेरियंस, क्या बात है, एनर्जी बहुत फ्लो कर रही है। ओके, लव लाइफ कंसेरियंस, आप क्या शादी के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी अबाउट अ कमिटेड रिलेशनशिप यू आर थिंकिंग। नाउ मूविंग ऑन टू, जैसे लगता है इट्स अबाउट रियलाइजेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर लाइक बीइंग पॉजिटिव अबाउट समथिंग, और आपको लगता है कि दैट यू नो गुड थिंग्स माइट कम इन योर लव लाइफ, और शायद हो सकता है सोच भी रहे हैं लेटली, बिकॉज कुछ ना कुछ है। वी आर गेटिंग नंबर 11, वी आर गेटिंग नंबर 34 इक्वल्स टू 7, सो 117 हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट नंबर, और बार बार देखते हो तो कुछ के लिए हो सकता है न्यू पॉसिबिलिटीज आर ओपनिंग अप अराउंड योर रिलेशनशिप, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, कमिंग आउट ऑफ योर शेल और बीइंग पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। ये सारी चीज़ें मुझे कंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो देखते हैं। और अबंडेंस, मुझे ऐसा लगता है अबंडेंस भी आ रही है, और ओवरऑल एनर्जी यही है दैट गुड थिंग्स आर कमिंग, करियर वाइज भी और लव लाइफ के भी। ओके, कैंसेरियंस, यू लव समबडी, यू आर जगलिंग, बिकॉज हो सकता है कि आप भी अपने आप को यू नो गार्ड कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर, और आपके जो पार्टनर हैं वो भी, दोनों ही मुझे ऐसा लगता है स्टबन बिहेव कर रहे हैं। बट एट द एंड यू वांट फैमिली, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट लॉयल्टी, और क्या कहते हैं, शादी, बच्चे, सब कुछ। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कोई दिल के बजाय दिमाग से सोच रहा है, और वो आपने डायलॉग सुना है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो ये वाली सिचुएशन आपकी है। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ओ माई गॉड, हाई प्रीस्टेस, नाउ यू कांट फूल द हाई प्रीस्टेस, यू नो आप अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा ना लाइक हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी स्टोरी हुई हो बिट्रेयल वाली, नाउ दे आर इन टू देयर जोन, और उन्होंने मूव फेर लिया है, बिकॉज दे हैव बहुत कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है इस हार्ट ब्रेक से, इट्स पेन से। हाई प्रीस्टेस, यू नो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ अवेकन सोल, ठीक है, कनेक्टिंग विद देयर हायर सेल्फ। तो वो अपने जोन में है, अपने आप पे काम कर रहे हैं, एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है आप एक दूसरे को यू नो ठीक से जानते अब तक नहीं है, या मिले भी नहीं है शायद, साइड स्टोरी। नाउ दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव फैमिली, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यू नो एक वो जो दिल पे चोट वाली बात है वो जो अभी भी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अभी फ़िलहाल अगर आगे की बात करें, आई थिंक योर पार्टनर इज़ नॉट इन अ मूड टू रिकनसाइल, समबडी इज़ मूविंग, समबडी इज़ फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, और कटिंग टाइज। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट शायद हो सकता है कि कोई कोशिश कर रहा है कुछ करने की, सो दैट बात बन जाए, या कुछ हो रहा है, या मे बी इट्स अबाउट इट्स यू, आप कोशिश कर रहे हैं टू बी विद योर पर्सन, और कुछ यू नो लाइक, बट आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये जो पर्सन है थोड़े डिफेंसिव है, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि दिस एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, सो समबडी इज़ चूजिंग टू वॉक अवे, एंड शायद हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक शायद कटिंग टाइज, यू नो। और एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है दैट दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ अ फ्री, यू नो, फ्री बर्ड, और बहुत कुछ उनके माइंड में चल रहा है, दे वॉन्ट क्लैरिटी, दे वॉन्ट, एंड
दे आर लाइक यू नो, अब शायद हो सकता है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको क्लैरिटी मिली है. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर हम लाइक एक छोटा लाइक बात करें क्लैरिटी में कि येस दिस इज़ द थिंग, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं और वो ये है कि दैट दे आर चूजिंग टू वॉक अवे. कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर कैंसेरियंस, आई थिंक मे बी यू आर कनेक्टिंग विद समबडी. शायद हो सकता है किसी से कनेक्ट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो. न्यू पर्सन तो मुझे एज सच अभी नहीं दिखाई दे रहे, बट शायद हो सकता है स्टिल मैंने आपको बोला है ना कि यर्न कर रहे हो और मे बी यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन और यू वॉन्ट टू प्रपोज दिस पर्सन, बट ये जो पर्सन है लाइक दे आर हर्ट, सो मे बी उस वजह से आप भी हर्ट हैं. तो ये आपकी स्टोरी हो सकती है. कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है. चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की. फॉर ऑल द कैंसेरियंस, करियर वाइज क्या रहेगा? करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड फॉर यू. आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ गुड पोजिशन. येस, पोजिशन, बॉस और स्टेपिंग अहेड फॉरवर्ड और रिकग्निशन, प्लेज, ये सब कुछ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है. हालांकि शायद हो सकता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच. हाँ, कुछ के लिए हो सकता है लाइक योर नीड्स आर मेट, जैसे कहते हैं ना यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड योर विशेज आर ग्रांटेड. ठीक है, अराउंड मनी, नई एनर्जी है, ज्वाइन कर सकते हैं कहीं, या कुछ के लिए एट सेम वर्क प्लेस आपका जैसे कहते हैं ना कि इनकम में यू नो लाइक एक बढ़ रही है आपकी इनकम, ग्रो हो रही है. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस. सो क्विकली लेट अस पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है? ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स. हु इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क? कौन है जिसने फॉल्स मास्क पहना है? इज़ देयर एनी बडी अराउंड यू और मे बी यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ लाइक इन अ डिफरेंट वे? आई थिंक आपको क्लैरिटी में आना चाहिए. आपको अपना रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी आर हैविंग द क्रिएटर हियर, सो यू हैव दैट लाइट. आई थिंक यू कैन क्रिएट सो मच. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे मास्क दिखाई दे रहा है. आई डोंट नो क्या चीज़ है, आपके अराउंड कोई पर्सन है या मे बी इट्स अबाउट यू कि हो सकता है दैट यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे सामने वाले के यू नो. तो ऑल इन ऑल अगर बात करें कैंसेरियंस, आपके लिए बहुत पोटेंशियल है, बट मे बी एट टाइम्स यू गेट लेजी. आप लेजी हो जाते हैं, शेडी हो जाते हैं, नॉन सीरियस हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट उसमें चले जाते हैं कि नो, रहन दो, छोड़ो. बट नो, आई थिंक आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ और यू हैव टू यू नो लाइक बहुत आगे जाना है. सो इट्स योर टाइम नाउ. अपने आप को, अपने आप पे काम कीजिए. सेल्फ, ओह माय गॉड, वी हैव टू कार्ड्स, आई डिड नॉट नोटिस. ये देखिए मैं बात कर रही थी. देखिए, ब्यूटीफुल एनर्जी, अलाइन योर सेल्फ, वी हैव द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड. तो आपके हायर कॉलिंग, एंजल्स, डिवाइन गाइड्स सब हैं आपके साथ, जो आपको यू नो आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं. द शेल्टर यू वॉन्ट, द हेल्प यू वॉन्ट, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप ऑब्वियसली कुछ तो आप नोटिस कर रहे होंगे ना, कुछ चेंजेस तो आपकी लाइफ में आ रहे होंगे जो आप नोटिस कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर हियर, तो इसका मतलब ये है कि यस यू बिलीव इन समथिंग, यू बिलीव इन डिवाइन एनर्जी, यू बिलीव. अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना, तो आप बिलीव करते हैं गाइडेंस. तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि यस, अलाइन योर सेल्फ, जो कि कर रहे हैं आप, और मेहनत कीजिए और अपने आप पर थोड़ा सा सेल्फ वर्क कीजिए एंड आई थिंक यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू. थक के हारने का बैठने का टाइम नहीं है. ठीक है, तो एक सॉन्ग था ना, यूँ ही चला चल रही, यूँ ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया. तो वो वाली बात है. सो दिस इज़ इट. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.